एवरीवन, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज है 18 नवंबर। आज के इस करेंट अफेयर्स की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन को देखने वाले हैं करेंट अफेयर्स के। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करती हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हाल ही में 15 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, झारखंड, असम, सिक्किम। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि झारखंड का 15 नवंबर को स्थापना दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में इस्लामिक अरब शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? ऑप्शन है इस्लामाबाद, दुबई, रियाद, क्यू। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आंसर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रियाद में इस्लामिक अरब शिखर का सम्मेलन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है, हाल ही में 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन है इस्लामाबाद, मुंबई, रियाद, फरीदाबाद। तो फ्रेंड्स, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रियाद में 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मिर्गी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 15 नवंबर, 16 नवंबर, 17 नवंबर, 18 नवंबर। तो फ्रेंड्स, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 15 नवंबर, 16 नवंबर, 17 नवंबर, 18 नवंबर। क्वेश्चन में फ्रेंड्स पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का यही था क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसा लगा आपको? वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद दोस्त।